सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आलोचना में छुपा हुआ सत्य और प्रशंसा में छुपा झूठ, यदि मनुष्य समझ जाए तो आधी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। सुबह का मतलब केवल सूर्योदय नहीं होता, यह सृष्टि की खूबसूरत घटना है जहां अंधकार को मिटाकर सूरज नई उम्मीदों का उजाला फैलाता है। अगर वक्त बुरा है तो मेहनत करो और अगर अच्छा है तो किसी की मदद करो। आज का पंचांग 10 जुलाई 2023 दिन सोमवार, सावन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, शाम 6:44 तक रहेगी। इसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवती नामक नक्षत्र शाम 6:59 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्विनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:20 से 9:02 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर शाम 6:59 तक रहेगी। इसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को यानी आज है। आज पंचक भी रहेगा, साथ ही आज रेवती नक्षत्र का प्रभाव भी है। सावन के पहले दिन पंचक लगने के कारण यदि आपके मन में रुद्राभिषेक करने में शुभ मुहूर्त को लेकर कोई प्रश्न उठ रहा है तो बता दे कि ज्योतिषी के अनुसार सावन में कभी भी पंचक या भद्रा काल लगता है तो उस समय में पूजा पाठ करने पर कोई रोक नहीं होती है। कारण यह है कि भगवान शिव कालों के काल महाकाल हैं और सभी ग्रह नक्षत्र उनके अधीन हैं। इसलिए इस पूरे दिन आप बिना किसी संशय के निश्चिंत होकर व्रत और शिव पूजा अनुष्ठान कर सकती हैं। कन्या राशि 10 जुलाई 2023 दिन सोमवार, आप पार्टी करना चाहते हैं और मनोरंजन के लिए तैयार हैं। पारिवारिक विवाद जो शायद धर्म से जुड़ा हुआ है उसके कारण आपको शांति निर्माता के रूप में कार्य करना पड़ेगा। सौंदर्य और आनंद आज आपको आकर्षित कर सकते हैं। आप अपनी ताकत और अवसरों के बारे में जान चुके हैं। अब आप जो भी चाहेंगे आपको मिलेगा। आप सही स्थान पर हैं जहां दूसरों की बातों को सुनकर स्वयं को खोज सकते हैं। सपने देखें और उन्हें पूरा करें। अपने मन के लिए खुद तय करें और इस दुनिया से ना डरें। आप आज रियल एस्टेट से जुड़ा कोई लाभकारी लेन देन पूरा करने वाले हैं। सकारात्मक सोच आपकी शक्ति है और आपको इसका लाभ उठाना है। आपका कोई करीबी भी आपको इसके लिए प्रोत्साहित करेगा। आप आध्यात्मिक विकास के साथ साथ जीवन की भौतिक खुशियों का भी आनंद ले पाएंगी। नई सोच से समृद्धि हासिल होगी। आशा ऊर्जा से भरे हैं। आप जो भी करेंगे उसे आप उसे आधे वक्त में ही कर लेंगे जितना वक्त आप अक्सर लेती हैं। ब्यूटी पार्लर में जरूरत से ज्यादा खर्च ना करें। घरेलू मोर्चे पर समस्या खड़ी हो सकती है, इसीलिए तोल मोल कर ही बोली। जिंदगी में एक नया मोड़ आ सकता है जो प्यार और रोमांस को नई दिशा देगा। इस राशि के छात्र छात्राएं आज अपनी कीमती समय का सदुपयोग कर सकते हैं। आप मोबाइल टीवी पर अनावश्यकता से अधिक समय जाया कर सकते हैं। आपका जीवन साथी आज आपके लिए कुछ बहुत खास करने वाला है। किसी ऐसे व्यक्ति का फोन आ सकता है जिससे आप बहुत लंबे समय से बात करना चाहती। बहुत सी पुरानी यादें ताजा हो जाएगी और आप समय में पीछे लौट जाएंगी। फायदेमंद समय है आपकी कोई काम फायदेमंद समय है। आपकी कोई मनोकामना पूरी होने से प्रसन्नता रहेगी। साथ ही संतान पक्ष की ओर से जो चिंता बनी हुई थी उसका भी समाधान मिल सकता है। आर्थिक योजनाओं को ही फलीभूत करने का उचित समय है। रुपए पैसे के लेन देन संबंधित भी गतिविधियां होगी। पुरानी बातों की वजह से जो तकलीफें हो रही है उसका प्रभाव कम होगा और आप खुद के लिए एक नई जिंदगी बनाएंगे। चुनिंदा लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करें। लोगों की परख ठीक से करें। किसी बाहरी व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत चर्चा करने से पहले दोबारा सोचने की कोशिश करें। सही गलत में फर्क समझने की कोशिश करें। काम के लिए जिन लोगों पर आप निर्भर हैं
उनसे प्राप्त होगा। इस कारण महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर पूरे हो सकते हैं। रिलेशनशिप संबंधित नाराजगी दूर होगी। पेट संबंधित समस्या भी दूर करने के लिए शरीर को डिटॉक्स करें। सावधानियां, पड़ोसियों के मामलों में लापरवाही ना बरतें। कोई नजदीकी व्यक्ति ही आपके खिलाफ अफवाह फैला सकता है। बेहतर होगा कि अपनी गतिविधियों को किसी के समक्ष भी जाहिर ना करें। फिजूल खर्ची पर कड़ाई से रोक लगानी होगी तथा अपनी इनकम के बारे में ज्यादा ध्यान देना होगा। बात करते हैं लव लाइफ की। विवाहित संबंधों में आपसी सामंजस्य मधुरता पूर्ण बना रहेगा। तथा परिवार के साथ खुशनुमा समय भी व्यतीत होगा। वैध के प्रेम संबंधों में समय बर्बाद ना करें। अभी आप अपने निवास और जीवन में शांति चाहते हैं। हालांकि पिता की समस्याओं से आप भी परेशान हो सकते हैं। मोहब्बत के लिए यह समय कठिनाइयों से भरा होगा। ऐसे में अपने साथी पर पूरा विश्वास रखें क्योंकि यही आपको जोड़कर रखेगा। मतलबी लोगों से दूर रहें। यह समय मनोरंजन, आनंद और रोमांस से भरपूर है। अपने प्रियजनों के साथ इस दिन को मनाने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। आपको इस समय और इस स्थिति में अपने पार्टनर के भावनात्मक सहारे की बहुत जरूरत है। इसीलिए शायद दूर रहने के कारण आप कुछ अन्य कारणों की वजह से वे आपसे दूर हैं। आपकी बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी मिल पाने की कोई स्थिति नहीं बन पा रही। कोशिश करते रहें और बहुत जल्दी आपको अपने पार्टनर के साथ रहने में सफलता मिलेगी। बात करते हैं करियर की। आप कुछ समय से अपने विलंब परियोजनाओं के लिए धन संचित कर रहे थे और अब अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन का ये सही समय है। जब आप कुछ वस्तु खरीदने जाएंगे तो हो सकता है कि आप कुछ बड़ी एवं सुव्यवस्थित चीज को देखकर उसे खरीदने की सोचें, परंतु आपको अपने बजट के भीतर रहकर ही काम करना है। व्यय आज अपरिहार्य है, लेकिन आज अनावश्यक चीजों पर खर्च करने से बचें। अचल संपत्ति, खेत और इमारत से संबंधित मामले धन लाभ लेकर आएंगे। साइटों पर काम करना आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अब समय है इस कार्य को बदलने का। पॉजिटिव सोचें, अच्छी संभावनाओं के बारे में जानें और उन्हें वास्तविकता में परिवर्तित करें। जुआ सट्टेबाजी आपके लिए दुर्भाग्य लेकर आएंगी। इस समय सुख देने वाली चीजें आपको सबसे अधिक आकर्षित करेगी। पार्टी करने की आपकी इच्छा आज पूरी होगी। आप जानते हैं कि आपके पास क्या है और क्या कमी है। आपका कौशल और दूसरों का ज्ञान आपकी स्थिति को बेहतरीन बना सकता है। विचार करें लेकिन कार्य के समय बिना सोचे समझे इसमें मेहनत करने में लग जाएं। मार्केट में आपकी योग्यता और मेहनत से आपको उपलब्धियां हासिल होगी, हालांकि इनके परिणाम आपको धीमी गति से ही मिलेंगी। इस समय अपना फोकस रुकी हुई पेमेंट को वापस लेने में लाएंगी। ऑफिस में किसी सहयोगी के साथ वाद विवाद में ना पड़े। व्यवसायिक अथवा ऑफिशियल यात्रा का भी प्लान बन सकता है। बात करते हैं सेहत की। आप पिछले कई दिनों से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रही हैं और आपकी चिंता का कारण भी यही है। समझने की कोशिश करें कि आपके सोचने और करने के बीच का असंतुलन ही आपके निर्धारित किए हुए उद्देश्यों के पूरा ना होने का मूल कारण है। खुद को राहत दें और अपेक्षा थोड़ी कम रखें। अगर आप शांति बनाकर नहीं रखेंगे तो बाद में आपको बहुत परेशानी हो सकती है। आज का उपाय। आज अब भगवान शिव को बेलपत्र और मिश्री चढ़ाएं, अति शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।